हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो अभी चल रहा है जयपुर का टूर। और जयपुर के टूर में भी हम पहुँचे हैं अल्बर्ट म्यूजियम। और अल्बर्ट म्यूजियम, पहले तो हमने सोचा था कि अल्बर्ट म्यूजियम नहीं जाएंगे, लेकिन भाई अल्बर्ट म्यूजियम जाने के बाद हमें पता चला भाई कितनी औसम चीज़ है, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, और किस तरह मतलब कितनी मेहनत से लोग बनाई थी उस समय के जो कारीगर थे। तो एक बार यदि आपको मौका मिलता है तो जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम जरूर जाए। सेकेंड पार्ट का टाइम आ गया। देखिए वाह, ढोलक, वाओ। और ये देखिए, ये सारे म्यूजिक यंत्र हैं यहाँ पर। वाह भाई, खतरनाक खतरनाक, किस तरह बनाया हुआ है इसने। देखो इतनी बड़ी बिना है, देखो पूरा समय यहाँ पे म्यूजिक यंत्र का, उस समय जब म्यूजिक होते थे तो आप यहाँ पे लेखन देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब लेखन लाखन की चीज़ें, ये देखो भाई, सब चीज़ दिखाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सकता उतना दिखा रहा हूँ मैं। आप भी घर बैठे इन चीज़ों को देख सकते हैं। हार, नेकलेस भाई, आभूषण, खतरनाक वाले आभूषण। ओहो, अयांश की मम्मी के लिए हमने आभूषण ले लिया, कड़ा, ठीक है। हाँ, ये ले लिया हमने मम्मी के लिए। भैया आया ले रहा भैया सिल्वर के, आया सी है सिल्वर वाले, सिल्वर। ओ भाई, ये देखो है, टाइम लगन देखो, ये देखो अंगूठी। हो अच्छा, पत्थरों वाली गिटियां इसमें मस्त। पंखे गर्मी में हवा करने के लिए जूते थे उस समय। तो वैसे चित्र है कोई मीनार का, अद्भुत चित्र ये छड़ी है। ये देखो भाई, ये आग नहीं आवा दिख रहा सही से कि नाग देवता बने हुए हैं, नागराज, पूरी नागराज की जो भी पुरानी कथा होती है उसमें होने के मुखोटे, अच्छे मुखोटे ही होते थे उसमें, खतरनाक मुखोटे हैं ये, मस्त मुखोटे हैं ये। उस समय में मुनि योगासन करते थे, ये हम मुनियों की तस्वीर है। भाई बिना कपड़ों के ही रहते थे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सब आसन, ये सारे हमारे योगासन है प्राचीन काल के, करने हो वो यहाँ से अपने भैया देख सकते हैं चित्रों के थ्रू, आप भी ये कर सकते हैं। तो हमारी प्राचीन संस्कृति है, वो योगी मुनि करते थे उस समय, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। गाइस ये देखिए, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, काफी भयंकर भयंकर आसन है। किस तरह पता है, छोटे वाले घोड़े खींचते थे चले, कितना मस्त बना रखा है।
जिन्होंने मम्मी नहीं देखी होगी, ये देखो लाइव मम्मी है अभी पुरानी, एज इट इज है जैसे पुराने साल में, क्या ही हजार साल होगी। मिश्र देश से प्राप्त, जिसके मम्मी के बारे में पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मम्मी का एक्सरे 2011 में किया गया। ओ भाई अभी भी ऐसे A few moments later ऐसे है पुराने, बहुत पुराने दीर्घकाल के बर्तन इस तरह यहाँ पे यूज होते थे। देखिए भाई कितने बारे में जिसे कुछ पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ईरानी और तुर्की बर्तन ये अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जापानी बर्तन है, जापानी बर्तन जो मैंने तो आपको पहले दिखाए थे, ये सब ये यहाँ से यहाँ तक है जापानी बर्तन। गाय जब हम दिखाने जा रहे हैं लाल तुर्की बर्तन, ये तुर्की के बर्तन है, तुर्की के लाल बर्तन, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है तो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। मिट्टी के बर्तन ये हैं, डोल्डन और मिट्टी के बर्तन, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो तस्वीरें है लेकिन नीचे जो बर्तन है ये सब मिट्टी के, और डाल्टन है किस तरह का कोई मटेरियल होता है तो उसी के बर्तन है। गाइस ये दिवाली के लिए घंटा, इसमें घंटे किस तरह बजाया जाता था। तो गाइस ये जापान की कला, पहले जापानी कला भी यहाँ पर यूज होती थी। भगवान बुद्ध की तस्वीर है यहाँ पर, ठीक है, बुद्ध नेपाल की वास्तुकला है। ये मध्य युग का समय है, मध्य युग का समय है, कला है दो प्रकार की, बर्तन स्पोर्ट्स इसमें जो कि इतने भारी बर्तन है। गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय है, इन पुराने बर्तनों का सारी चीज़ दिखाने तो इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाने जा रहा हूँ। वो जो पढ़ने के इच्छा पढ़ सकते हैं उनके बारे में, किस चीज़ के बर्तन है, किस चीज़ के बर्तन है। ये हंगरी के बने पात्र है, ये देखिए हंगरी के बने पात्र कितने मस्त मस्त, यहाँ पे काफ़ी कुछ संग्रह है। अल्बर्ट म्यूजियम ये देखिए क्या चित्रकारी है, चित्र टाइल्स, पहले टाइल्स पे बनती थी ये सब, है ना, टाइल्स हैं एक तरह से पत्थर का टुकड़ा है तो उस पर चित्रकारी उभारी हुई है, और ये शायद मुझे लगा छीनी है थोड़े के थ्रू बना रखी बनाई होगी उस समय, और इसमें फिर कलर किया हो गया पूरी टाइल्स में बनना है। वो जो कितने बड़े बड़े बर्तन बने, इतने बड़े बर्तन आज के टाइम में खरीदना, वो इंग्लैंड के बड़े पात्र है, इंग्लैंड में बड़े देशों में इंग्लैंड से इतने दूर से मंगाया जाता था पात्रों को, कांच के बड़े पात्र बोलिए भैया कांच के बने पात्र, जल भर के पानी पिया जाता था वो इन पात्रों का यूज होता था ज्यादातर। तो ये देखो किस हिसाब से बने हुए हैं, इतने जल पात्र हैं, इस तरह के बड़ी बड़ी सुराई, और ये बर्तन बनाते थे लोग मिट्टी के, कांच कांच से मिट्टी के। ये देखिए तो गाइस ये देखिए बर्तनों के नीचे खड़े हुए हैं दोनों बच्चे, गाइस ये तो बहुत बड़े बड़े बर्तन है भाई, ये तो मेरे कम से कहना ना मेरे पेट के नीचे तक आ जाएगी, इतने बड़े बर्तन है ये देखो भाई, कितने मारो कितने बड़े बड़े, उठेगा भी नहीं। संग्रह तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ये चेन्नई में बनी हुई, हाथ नहीं लगाना था। और ये है ये मुल्तान के बर्तन, पेशावर के बर्तन, ये दिल्ली के बने हुए बर्तन, ये दिल्ली में बनते हैं। गाइस ये देखिए भाई काफी बड़े बड़े और काफी पुरानी विरासत है, ये पुरानी संस्कृति की, पहले किस तरह की बर्तनों का ये होता था, किस तरह के पूजन होते थे। ये गए थे सिंध के बर्तन सुराई,
नंग पात्र है। गाइस यहाँ बंगाल के बने हुए बर्तन क्या विरासत है यार भारत की, तो क्या ये देखिए पीने का शौक इतना समय में, देखो चिलम, ये चिलम बोलते हैं, क्या मस्त चिलम बना रखी भाई, जबरदस्त चिलम भाई यार, ये देखो बड़ी बड़ी चिलम भैया, पूरे नशाड़ी थे उस समय के लोग। A few moments later. रामायण यक्ष पात्र भी ज्यादा यक्ष पात्र रामायण का ये तलवार ये भी है पहरी पुराने समय की राइफल है यहाँ पर, वो ये सुरक्षा गार्ड है टोपी हाथ में जो पहनते थे उसमें लड़ाई करते हुए सैनिक, क्या बड़े बड़े टूट हैं लेकिन कुछ युद्ध के टाइम यूज करते हैं इनको, बहुत सारे खतरनाक है। और ये भैया राइफल्स, भाई कितनी बड़ी बड़ी राइफल है भाई, ये सब कैमरे में नहीं है, मैं उठाने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ती होगी इनकी, तो पक्का ये देखो कितनी मोटी राइफल है, बहुत बड़ी है। जबर शुरू भैया ये देखने हो वहाँ पे कुछ पोज कर करके आराम से देख सकते हैं, दिखा दीजिए ये भाई कितने हैं, पांच से के बर्तन
गाइस अलबा टूरिज्म के हमने लगभग सभी चीजें कवर कर दी है और आई होप आपको ये चीजें पसंद आएगी। और आपको ये चीजें पसंद आए तो भैया ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और लगभग इसमें है ना काफी पुरानी और वास्तुकला और जो कष्टकारी इतनी खतरनाक तरह से की रखी थी ना भाई लोगों ने उस समय, मतलब कि बिना टेक्नोलॉजी के अभाव में। तो आपको देख के मजा आएगा, ब्लॉग को जरूर देखें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं और नए शानदार ब्लॉग के।